particles based on electric field and Coulomb's law. ठीक है, तो first question है आपके पास.
तो आपके पास अब यहां से देखिए, तो देखिए यहां से ये एंगल जो बनेगा आपके पास स्मॉल एलिमेंट मान लिया आपने डी क्यू, तो इसके लिए मैं एंगल भी डी थीटा मान लेती हूँ। यहां से ये एंगल क्या मान लिया आपने डी थीटा, ये एंगल क्या बना आपका थीटा, ठीक है। सिमिलरली इधर से भी क्या मान लोगे, ये एंगल आप क्या मान लोगे थीटा, डी थीटा, और ये एंगल क्या बना आपका थीटा, जैसे कि हमने पीछे कुछ क्वेश्चन में ऐसा करा था, ठीक है, रिंग वाले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। तो देखिए एक डायपोल मोमेंट तो ऐसे बन रहा, देखो ये डीपी वन बन रहा है और एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है डीपी टू, तो इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगी इन दोनों डायपोल्स की, ये यहाँ पे कहीं ऐसे रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की, यहाँ पे ऐसे कहीं दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी, यहां से डीपी वन का स्केयर प्लस डीपी टू का स्केयर प्लस टू डीपी वन डीपी टू बिटवीन दैम एंगल। तो देखिए ये एंगल यहां से थीटा है, ये एंगल भी कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना बचा 180 माइनस टू थीटा बचेगा, तो कोस 180 माइनस टू थीटा, गेटिंग माय पॉइंट और नो स्टूडेंट्स, नहीं आया तो देखिए फिर से देखिए, मैं दोबारा लिखू इसको, देखिए पहले ये एंगल देख लो, ये यहां से एंगल थीटा, यहां से एंगल थीटा बना, तो देखो पूरा एंगल यहां से अगर पूरा बनाऊ, देखो ये ब्लैक वाला पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जो बीच वाला बना ये वाला सिर्फ इतना, ये कितना बचा 180 माइनस टू थीटा ना, तो पी आर जो रिजल्टेंट आप लिखेंगे उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डीपी वन का स्केयर प्लस डीपी टू का स्केयर प्लस टू डीपी वन डीपी टू कोस 180 माइनस टू थीटा। क्लियर, इतना समझ आया सबको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीपी वन डीपी टू इन सबकी वैल्यूज निकाल, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लू, यहीं पे डीपी वन का स्केयर डीपी टू का स्केयर प्लस टू डीपी वन डीपी टू कोस 180, देखो कोस 180 माइनस, इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, तो कोस 2 थीटा, या बीच में क्या आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डीपी वन और डीपी टू की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी, इतना भी अगर समझ आ गया। अब देखिए तो आगे डीपी वन, देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, डी क्यू लिखा मैंने क्योंकि मैंने स्मॉल चार्ज माना है, अरे डी क्यू स्मॉल चार्ज माना तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा स्मॉल ही होगा ना, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, डीपी वन को निकाल लेते हैं, तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे कोई भी डिस्टेंस होते, 2a याद मत करना, कोई भी डिस्टेंस होते चार्जेस के बीच। तो देखिए यहाँ पे dp1 क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्या आपके पास dq, चार्ज क्या माना आपने dq, ये माइनस का dq और ये प्लस का dq, ऐसे तो बना ये माइनस का dq और ये प्लस का dq, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, r और r कितनी हो गई 2r, ठीक है। तो ये बना आपका dp1, ठीक है। अब dq को क्या लिख सकते हो, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है उसने लैम्डा, तो लैम्डा क्या लिख सकते हो dq by dl, तो dq को इसको नंबर वन मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, तो ये क्या बना dq is equals to lambda into dl। अब मेरा वेरिएबल तो थीटा है ना, थीटा के साथ सारे कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, तो डीएल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये बन रहा आपका डी थीटा, ये है आपका डी क्यू, ये है आपका आर, ठीक है, और ये डीएल एलिमेंट है डी क्यू जिसपे चार्ज है, ठीक है। तो डी थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर का अपॉन रेडियस डीएल बाई आर, तो डीएल की वैल्यू क्या बन जाएगी आर डी थीटा, समझ आ गई, डी आर का अपॉन रेडियस, तो डी एल डी थीटा क्या बना आर का अपॉन रेडियस, तो डी एल क्या बन गया आपका आर डी थीटा, डी एल क्या बन गया आपका आर डी थीटा, ठीक है, यूजिंग डी एल
इन थ्री, क्या बन जाएगा डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, क्या बन जाएगी लैम्डा आर डी थीटा। अभी लिख लो नंबर फोर, मान लो इसको यू जी डी क्यू इन टू इक्वेशन, डी क्यू वैल्यू इन टू इक्वेशन, टू में जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा डी पी वन की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू क्या लैम्डा आर डी थीटा इंटू टू आर, तो क्या बन गया ये लैम्डा आर स्केयर टू लैम्डा आर 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 स्केयर इंटू डी थीटा। अभी लैम्डा भी दे रखा है कितना, लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो डी पी वन क्या बन जाएगा आपका बाय पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो यहाँ लैम्डा इज ए क्या पुट कर दो लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो डी पी वन क्या बन जाएगा टू लैम्डा नॉट साइन थीटा आर स्केयर डी थीटा, तो डी पी वन क्या बन गया टू आर स्केयर लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, समझ आ गया यहां से, ये डी पी वन मिल गया। इसी तरह डी पी टू, देखो डी पी टू भी उतने ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, एंगल भी वो इधर से थीटा ही बना रहा है, तो सिमिलरली निकाल के देख लेना डी पी टू भी कितना आ जाएगा आपका टू आर स्केयर लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना समझ आ गया यहां से ये आपको सबको, देखो इतना एक बार चेक करो सबको इतना समझ आया, आ गया सबको। ठीक है, तो देखो आगे देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से देखो ये dp1 और dp2 की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब यहां से एक बार देखो ये समझ आ गया, यहां से dp1 का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके dp2 के, मैग्नीट्यूड ऑफ dp1 बराबर है किसके dp2 के ना, तो यहां पुट कर सकती हूँ मैं इस चीज को, तो pr क्या बन जाएगा यहां से आपका फ्रॉम वन, क्या बना dp1 का स्केयर प्लस dp1 का स्केयर माइनस टू डी पी वन का स्केयर कोस टू थीटा। अरे देखो ये डी पी वन बराबर डी पी टू की, मैंने डी पी वन को रख लिया, डी पी वन डी पी वन डी पी वन का स्केयर एक कोस टू थीटा, तो पी आर क्या बना यहां से आपका, तो ये बन गया टू डी पी वन का स्केयर, ये भी टू डी पी वन का स्केयर, वन का स्केयर माइनस टू डी पी वन का स्केयर कोस टू थीटा। ठीक है, यहां से टू डी पी वन का स्केयर बाहर अंदर ले लो, बाहर कॉमन ले लो, तो क्या बचा अंदर ही वन माइनस कोस टू थीटा, ये अंदर ये चीज बच रही है आपकी, अब आपकी वन माइनस कोस टू थीटा। ये पता आप लोगों को कि साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकते हो वन माइनस कोस टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टू, और कोस स्केयर होता तो यहाँ बीच में सिर्फ प्लस आ जाता है, कोस में बीच में क्या जाता है प्लस और साइन में बीच में क्या जाता है माइनस। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ लू यहां से, तो ये बन जाएगा अब आपका, ये सब समझ आ गया, मैं हटा रही हूं यहां से सबको, तो ये बना आपका यहां से अब टू साइन स्केयर थीटा वन माइनस कोस टू थीटा, मतलब वन माइनस कोस टू थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ टू साइन स्केयर थीटा, तो पी आर क्या बन जाएगा आपका टू डी पी वन का स्केयर इंटू टू साइन स्केयर थीटा। ओके, तो ये बना अब आपका पी आर इज इक्वल टू फोर डी पी वन का स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा। इसको आगे लिखोगे सिंप्लीफाई करके तो पी आर कितना बन गया आपका, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा टू डी पी वन साइन थीटा। ठीक है, तो पी आर क्या बन गया टू डी पी वन साइन थीटा। अब डी पी वन की वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर सिक्स मान लो, इनको इक्वेशन नंबर जो भी मानना है, बाय पुटिंग
दी वैल्यू ऑफ डीपी वन इन इक्वेशन सिक्स, क्या बन जाएगा आपका ये पीआर, ये जो भी दे लेना फोर फाइव सिक्स जो भी इक्वेशन थी आपकी, मेरे ध्यान नहीं है, तो पीआर क्या बन जाएगा टू डीपी वन। टू डीपी वन की वैल्यू कितनी है आपकी, उधर देखो ये रही डीपी वन टू लैम्डा नॉट साइन थीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है ये डीपी वन की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आपकी डीपी वन की, टू लैम्डा नॉट साइन थीटा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू ये साइन थीटा, इंटू क्या बना ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो पी आर क्या बन जाएगा फोर लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ये एक साइन थीटा ये रहा, एक साइन थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, टोटल के लिए क्या कर दोगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है तो फोर लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये इधर भी आप डीपीआर लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो इधर भी आप डीपीआर लिख सकते हो इस चीज को, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन करके मैंने क्या लिख दिया इसको पीआर, ठीक है। अब साइन थीटा की देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगा दो कि जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। देखो हमने यही इसी को तो कारण माना रिजल्टेंट, ये रिंग थी पूरी देख लीजिए, ये रिंग थी ना आपके पास ऐसे, ठीक है। तो आपके पास एक कंपोनेंट यहां से ये आया और एक कंपोनेंट यहां से है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट यही बना ना, देखो रिजल्टेंट कहां से कहां वेरी कर रहा है, इधर देखो रिजल्टेंट ये है ना पी आर, तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री ना, तो लिमिट क्या ले लोगे जीरो से पाई बाई टू, लिमिट क्या ले लोगे जीरो से पाई बाई टू। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन उल्टा करेंगे कैसे करेंगे, यहां से लिखो क्या लिख सकते हैं वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू, ठीक है इसको ऐसे लिखोगे जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करो आगे देखो क्या आएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये सब हो चुका आपका सबका, तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो बना फोर लैम्डा नॉट आर स्क्वायर जीरो टू पाई बाय टू, ये टू बार लिख लो डी थीटा माइनस जीरो टू पाई बाय टू कोस टू थीटा इंटू डी थीटा, पुट करो ये टू से टू कैंसिल, क्या मिला टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ठीक है डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा लिमिट जीरो टू पाई बाय टू माइनस कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके कहां लिखते हो नीचे, कोस का डिफरेंशिएशन साइन और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके कहां लिखोगे नीचे, लिमिट लगा दो जीरो टू पाई बाय टू, तो इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा आपका जीरो, पुट कर लेना क्योंकि देखो पुट करोगे ना आप लोग साइन टू थीटा की जगह पाई बाई टू पुट करोगे तो साइन पाई क्या होता है जीरो और साइन जीरो तो जीरो होता ही है, तो जीरो बन जाएगा टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो आंसर क्या मिला इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम के कारण, इनफाइनाइट चार्ज सिस्टम के कारण जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई। आईआईटी मेंस में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको क्लियर, ठीक है अगला एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। इफ देयर आर टू बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, ठीक है बीच है द चार्ज क्यू, ठीक है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, ये एल लेंथ है, ठीक है तो डी जो है लेस देन होती है किससे एल से, ये सिचुएशन है कंडीशन में कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एल से क्या बहुत कम है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द चार्ज इज लीकेज, चार्ज क्या हो रहा है आपका लीकेज, चार्ज क्या हो रहा है लीकेज हो रहा है, टू ये लिख लेना लैंग्वेज, टू बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय द थ्रेड एल, सिल्क थ्रेड एल,
ठीक है, चार बॉल हैगा चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स इज लेस देन द एल, आफ्टर सम टाइम चार्ज इज लीकेज एट कॉन्स्टेंट रेट, एट ए कॉन्स्टेंट रेट चार्ज इज लीकेज एट द कॉन्स्टेंट रेट, हाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बॉल की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज होगी। ऑप्शन ए दे रखा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2, ऑप्शन सी है x की पावर -1, ऑप्शन डी है x की पावर 1/2। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है कि वेलोसिटी जब ये चार्ज लीकेज होगा तो इनके बीच की जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो जाएगी। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे मैंने बॉल वाले क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने बताया था लेमिस थ्योरम लगेगी ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो मैंने करवा रखे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ बेस्ड ऑन लेमिस थ्योरम, उसमें देखिए मैंने काफी क्वेश्चन करवाए वहीं से ही। तो ये आपके पास बॉल है यहाँ से आपकी, तो देखिए यहाँ से अगर मैं एबीडी बनाऊं तो ये बन गया आपका एमजी, ये आपका एफ फोर्स लगेगा इधर, अरे दोनों की कूलम्ब रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये टी टेंशन हो गई इसमें, तो ये वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, तो टी कोस थीटा बराबर एम जी हो जाएगा और टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एफ के, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बना टेन थीटा इज इक्वल। ठीक है, अब देखिए एक बार यहां से tan थीटा क्या बन गया f by mg, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये x। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी बन जाएगी x by 2l, ये एंगल है इनके बीच में थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे ये एंगल क्या बना आपका ये थीटा, तो tan थीटा क्या होगा x by 2 इंटू डिस्टेंस l, यही बन जाएगा ना यहां से आपका। देखो एक बार ये tan थीटा क्या बनेगा x by 2 इंटू l, अरे ये x by 2 ये इंटू l, अरे मैडम ये तो sin थीटा बना। हाँ बिल्कुल बना, लेकिन देखो क्यों क्यों बना, देखो दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, जब लीकेज होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम है, मैंने लिखा कि d less than है किससे l से। ठीक है, x लिखो यहाँ पे, d नहीं x, मैंने x ले रखा है। ठीक है, तो x d x इसलिए ले d by d करूंगी तो आपको डिफरेंशिएशन जब करूंगी तो d d में कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस जो है इस l लाइन से बहुत कम है, तो एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल मतलब कि ये जो l लेंथ है बहुत ज्यादा है और ये जो एंगल बन रहा है ना ये बहुत कम बन रहा है, तो जो एंगल स्मॉल होता है ना व्हेन थीटा स्मॉल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल है थीटा के और अप्रोक्सीमेट बराबर होगा किसके sin थीटा, क्योंकि बिकॉज उसने कहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो लेंथ से क्या है बहुत कम है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है, उस सिचुएशन में हम tan थीटा क्या लिख देंगे sin थीटा, समझ आ गया। तो अब मैं लिख सकती हूँ ना, तो sin थीटा, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x by 2 l। ठीक है, अगर आप tan थीटा से करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल की, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चलेंगे कि उसने कहा बहुत कम है तो थीटा को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, हम स्मॉल मान लेंगे, तो स्मॉल के केस में tan थीटा क्या लिख सकते हैं आप लोग sin थीटा, क्यों लिखते हैं बता देती हूँ। देखो tan थीटा क्या होता है, कुछ बच्चों को डाउट क्लियर ना हो कि क्यों लिख दिया मैडम, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो स्मॉल एंगल की बात करते हैं तो एन एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वहां पे sin थीटा हो जाता है थीटा, लेकिन cos क्या हो जाता है वन, क्योंकि cos जीरो क्या होता है वन, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली वन, जब जैसे जैसे जीरो को टेंड करेगा तो थीटा तो क्या बन जाता है आपके पास यहाँ से cos जीरो तो वन को टेंड करेगा और इसको हम लोग थीटा मानेंगे ना कि जीरो मानेंगे, इसलिए क्या लिखते हैं कि tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके थीटा के। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एंगल के केस में cos थीटा क्या हो जाता है वन, तो देखो अब tan थीटा अप्रोक्सीमेट बराबर sin थीटा, इसलिए ऐसा लिख देते। ठीक है, वैसे डायरेक्ट याद रखो स्मॉल एंगल के केस में tan थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दो
इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, फ्रॉम वन एंड टू क्या बन जाएगा, एक्स बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। ठीक है, एक्स बाई ट्वेल्व, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू दोनों चार्जेस कितना है, इस पे भी चार्ज कितना है क्यू और इस बॉल पे भी चार्ज कितना आपका क्यू है, के क्यू स्केयर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स का स्केयर। उसे सिर्फ वेलोसिटी का वेरिएबल पूछा है, तो ये के है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, क्यू भी क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये बना आपका एक्स, इसको मैं इधर लिया हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू एल इंटू के इंटू क्यू स्केयर। तो देखो ये तो कॉन्स्टेंट है ही, ये तो क्या आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्केयर, इसको मैं उल्टा लिख दू, अंडर रूट ले लू मैं, तो एक्स क्यूब की पावर थ्री बाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर थ्री बाई टू लिख दू मैं। अब क्या करना है, वेलोसिटी पूछे कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डी क्यू बाई डी टी, पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, इनटू फिर अंदर वाले में ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, अरे पावर को आगे लिया है, पावर में से एक घटा दिया, फिर अंदर वाले पे क्या अप्लाई करा ऑपरेटर। किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लस वन की वीडियो लेक्चर नंबर थ्री को देख लेना। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, थ्री बाई टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू, वन बाई टू बच जाएगा आपके पास, इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या होती है वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहां से, ये आया आपका डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी थ्री बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू इंटू वी। ये तो उसने कहा ये क्वेश्चन के अंदर कि जो चार्ज जो लीकेज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा है, मतलब ये वैल्यू वन के बराबर होगी, कांस्टेंट होगी ना। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि ये टू बाई थ्री डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उल्टा लिख लो, ये तो सब कॉन्स्टेंट हो गए, तो यहां से डायरेक्ट कह सकते हो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर वन बाई टू। तो आंसर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आईआईटी 2015 का क्वेश्चन देखिए एक और, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि सिल्क थ्रेड से दो बॉल्स को सस्पेंडेड करा गया है, देयर आर टू बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड। ठीक है, लाइक दैट इनिशियली दे आर एड फ्रॉम हाइट वाई। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इनको, ये एल लेंथ की थ्रेड है, लेंथ क्या आपकी एल लेंथ है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या करा, इस थ्रेड के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब एक रीज्ड स्पॉट से इनको यहां से ये वाई बाई टू होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से कितनी होगी आपकी वाई बाई टू, ये वाई थी तो ये कितनी होगी आपकी वाई बाई टू हो गई, कितनी होगी ये वाई बाई टू। तो पूछ रहा है नाउ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज नाउ, जैसे ये आर था तो ये कितना हो गया आर डैश, देखो तो दो बॉल है, पहले इतनी हाइट से ऐसे लटका रखे, फिर उनको थोड़ा नीचे ले गए, तो इनके बीच का ये सेपरेशन चेंज हो जाएगा ना, तो कह रहा है कि आर डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आर डैश की वैल्यू क्या कर रहा है आपसे फाइंड आउट वहां पे, ये यहाँ पे वो करवा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, देयर आर टू बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय द सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ एल इनिशियली। ठीक है, आफ्टर दैट Balls are clamped at a height half of the side. इस ये y height पे थी, कितने पे कर दिया half पे. Then equilibrium separation between the balls become. Then equilibrium separation between the balls become. कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए option. क्वेश्चन को solve कर लेते हैं. तो देखो यहाँ से वही बना लेंगे आप लोग. ये आप लोग ये Q charge. ठीक है, ये मैं बार बार कई बार बना चुकी हूँ, ये टी, ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट टी कोस थीटा, ये एम जी, ये टी साइन थीटा, ये एफ ई फोर्स। ठीक है,
ठीक है। सिमिलरली इधर भी यही बनेगा आपके पास, या आपके पास t cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, ये बना आपका mg, ये बना आपका t sin थीटा कंपोनेंट, या आपका f e dash, ठीक है। तो देखिए यहां से तो वही है आपके पास, f e बराबर mg sin थीटा लिख सकती हूँ, सॉल्व करूँ क्या, अरे t cos थीटा बराबर, मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना शॉर्टकट क्वेश्चन के लिए, mg tan थीटा, ठीक है। और इस केस में थीटा भी चेंज हो जाएगा तो इसको थीटा डैश लिख लो, क्योंकि वो नीचे आएगा तो थीटा भी उनके बीच का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको आप थीटा कह रहे हो, इसको क्या कहते हो, थीटा डैश। ठीक है, कैसे आया बताऊं, देखो तो t sin थीटा बराबर f ही हो गया, t cos थीटा बराबर mg, तो इनको डिवाइड कर दो तो tan थीटा f / mg, तो f की वैल्यू कितनी होगी, mg tan थीटा, मैंने डायरेक्ट बताया था इन क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको नंबर वन क्या, तो सिमिलरली इस फिगर से बात करोगे तो इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका एफ ई डैश एम जी, मास तो वही रहेगा बॉल्स का, ठीक है, सेपरेशन चार्ज भी वही है, लेकिन सेपरेशन चेंज हो गया इसलिए फोर्स चेंज हो गया, क्योंकि जब वो नीचे आएगी तो उनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टेन थीटा डैश, इनको डिवाइड कर लो, एफ ई डैश बाई एफ ई, इसको टू कह दो, नाउ डिवाइडिंग टू बाई वन, तो एफ ई डैश बाई एफ ई क्या बन जाएगा, एफ ई डैश कितना आपका एम जी टेन थीटा डैश डिवाइडेड बाई एम जी टेन थीटा, तो ये बना आपका एफ ई डैश बाई एफ ई टेन थीटा डैश बाई टेन थीटा। अब यहाँ पे एफ ई डैश और टेन थीटा डैश की वैल्यूज आप पुट कर लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हटा दो, ये सारा समझ आ गया सबको, तो मैं सोल्व कर रही हूँ इधर, देखो एक बार ये सब फिगर समझ आ गई, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को मैं सोल्व करती हूँ, एफ ई डैश को क्या लिख सकते हो, के क्यू स्केयर बाई आर डैश का स्केयर, और एफ ई क्या बन जाएगा, के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर, पहले मैंने आर डिस्टेंस मानी थी दोनों के बीच की, जब उन्होंने हाइट हाफ कर दी तो बीच की डिस्टेंस भी क्या मान ली मैंने, आर डैश, तो पुट कर दो यहाँ पे टेन थीटा डैश। तो देखिए ये फिगर थी आपके पास, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है यहां से आपके पास, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने क्या मानी हुई थी, आर, ठीक है, तो टेन थीटा को निकाल लेती हूँ पहले मैं, ये डिस्टेंस कितनी थी, वाई थी आपकी, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है, ये डिस्टेंस आप एक्स कह दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आर कही हुई है अपने बीच की आर, तो ये बीच में कितनी बन गई, आर बाई टू, आर बाई टू, ठीक है, तो टेन थीटा कितना बन जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, वाई आर बाई टू इंटू वाई, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर बाई टू इंटू आर बाई टू अपॉन वाई, अरे इसको नाम दे दू ए बी सी डी, तो टेन थीटा क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन सी बी, ए बी कितना है आर बाई टू, सी बी कितना है वाई, तो क्या लिख सकते हो आर अपॉन में टू वाई, तो ये टेन थीटा आ गया। इसी तरह जो सेकंड फिगर की बात करी आपने, तो उसमें ये डिस्टेंस, उसमें ये वाली जो डिस्टेंस आपकी, ये y by 2 हो गई, ये तो r dash by 2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी r dash by 2, ये एंगल theta dash, ये एंगल भी कितना था आपका theta dash, तो tan theta dash कितना हो जाएगा r dash upon में 2, ये y by 2 है तो y by 2 हो जाएगा, इसको भी नाम दूं m l h, तो देखिए m l h में क्या बनेगा, m h by h l, एम एच क्या है आर डैश बाई टू, और ये कितना आपका वाई बाई टू, ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल, तो आर डैश बाई वाई आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको देखो एफ ई डैश एफ ई टेन थीटा, और ये टेन थीटा डैश की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये सारी वैल्यूज उसी क्वेश्चन पुट कर दो, इसको नंबर वन नाम दे दो,
इसको नंबर टू नाम दे दो, इसको नंबर थ्री नाम दे दो, ये हटा दो सबको, ये थ्री ये फोर। नाउ यूजिंग टू थ्री एंड फोर इन वन क्या बन जाएगा, एफ डैश क्या है आपका, के क्यू स्केयर आर डैश का स्केयर, ये के क्यू स्केयर आर स्केयर। टेन थीटा डैश कितना आया, आर डैश बाई वाई, आर डैश बाई वाई, और टेन थीटा कितना आया आपका, आर बाई टू वाई। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल, के क्यू स्केयर से के क्यू स्केयर कैंसिल, तो आर स्केयर बाई आर डैश का स्केयर, आर डैश बाई आर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको और थोड़ी सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो आप लोग, तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से आर क्यूब। ठीक है, और ये इधर से बन जाएगा आर डैश क्यूब इंटू टू। ठीक है, आपको आर डैश चाहिए थी ना, क्या चाहिए थी, आर डैश, इतना हो गया सबका। ये देखो हमने कुछ नहीं करा, उन सबकी वैल्यू निकाल ली, पुट कर दो, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहां से आर क्यूब टू आर डैश क्यूब, कितने के बराबर हो गया आर क्यूब के, क्यूब रूट ले लो, उसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि तुम्हें आर डैश चाहिए थी, उसने ये पूछा था कि जब हाफ हाइट कर देंगे तो उनके बीच का सेपरेशन कितना बचेगा, तो ये बना आर क्यूब बाई टू, तो आर डैश क्यूब रूट ले लो, आर क्यूब की पावर वन बाई थ्री और टू की पावर भी वन बाई थ्री, तो आर डैश कितना बना आर अपॉन में टू की पावर वन बाई थ्री। तो उस सिचुएशन में उनके जब वो हाइट हाफ कर देगा बोल्स के बीच की, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी आपकी, हाफ डिस्टेंस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, समझ आ गया इतना ये। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एआईटीयूली 2005 का क्वेश्चन है, ए चार्ज्ड बॉल बी हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड एस व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद अ लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट शोन इन द फिगर। ये लार्ज कंडक्टिंग सीट है, इसके साथ ये सिल्क थ्रेड से एक बॉल सस्पेंडेड कर रखी है। ठीक है, तो पूछ रहा है इससे पी शोन इन फिगर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है, ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी कॉस थीटा के या फिर टैन थीटा के। ठीक है, तो ये चार्ज सीट है, ठीक है, इसे बॉल सस्पेंडेड की गई है, तो सिंपल एबीडी तो वही बन जाएगी, सिल्क थ्रेड ये है, ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा यहां से क्यू ई फोर्स लगेगा, एफ फोर्स लगेगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये वेट के कारण फोर्स एमजी, तो वही बना टी साइन थीटा बराबर एफ, टी कोस थीटा बराबर एमजी, तो टेन थीटा बराबर एफ बाई एमजी। ठीक है, अब देखो एफ क्या होता है क्यू ई, फोर्स को क्या लिख सकते हो क्यू ई एम जी, ये पॉइंट एक बार किसी को पता है तो अच्छी बात नहीं, अदरवाइज हम आगे गोजला में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू द चार्ज शिफ्ट, ये याद कर लो डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शिफ्ट, शिफ्ट के कारण कितनी होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थिक शिफ्ट के कारण, थिक के कारण, थिन के कारण नहीं, थिन के कारण नहीं, थिक शिफ्ट के कारण कितनी होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पुट कर लो एक बार इस वैल्यूज को, तो यहां से ये कितना आ जाएगा आपका, ये सब हटा दो यहाँ से, क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, तो अब ये यहां से कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई, ई की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। ठीक है, तो उसने तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके टेन थीटा, तो आंसर क्या आ गया टेन थीटा, इजी सा ही क्वेश्चन था, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगर आपके पास, अब मैं चार्ज रिंग के क्वेश्चंस को और थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ, मान ले आर्क है, चार्ज रिंग नहीं है आर्क है, सेम इफ देयर इज चार्ज आर्क, ये एक आर्क दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है, चार्ज्ड आर्क, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
इसके कारण क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट है पी। ठीक है, तो करने का तरीका वही रहेगा कि एक स्मॉल डी क्यू एलिमेंट मान लेंगे आप लोग यहां से, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ये एक डी क्यू एलिमेंट कंसिडर कर लिया, टोटल एंगल एल्फा है, टोटल एंगल कितना आपका एल्फा। ठीक है, ये एंगल मान लिया मैंने डी थीटा और ये यहां से ये एंगल कितना मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो ये आउटवर्ड होगी यहां पे इसके ऊपर। ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी आउटवर्ड। देखो ये डी क्यू एलिमेंट है, इसके कारण इस डी क्यू के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए डी ई के। ठीक है, तो जब आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना, डी ई साइन थीटा। फिर से देखिए, समझ आया? एक चार्ज रिंग के कारण बात कर रहे थे अभी, सेमी सर्कुलर रिंग है आपके पास। ठीक है, अब इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, टू टू द आर, एक जनरल आर, एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एक डी क्यू एलिमेंट ले लिया, इस डी क्यू एलिमेंट के कारण ये रिंग है ना पूरी, ऐसे देखो ऐसे, तो इसके पूरा एंगल अल्फा है। ठीक है, तो मान लिया मैंने इसको क्या कह दिया डी थीटा, इसको क्या कह दिया मैंने थीटा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इसके कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट बने डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो E पैरेलल कंपोनेंट और ए E परपेंडिकुलर। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना, ये रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, रिंग के पैरेलल। अरे ये रिंग है ना, देखो पूरी रिंग बनाती हूँ ऐसे बनाना, तो इसका ये जो एक कंपोनेंट आया ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो बना ऐसे बना रिंग के, और ये वाला कंपोनेंट ये बना ऐसे, रिंग में ऐसे तो पढ़ा था आप लोगों ने भाई, ये डी थीटा बना। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, डी कोस थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट डी, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, ऐसे ही तो करा था आपने, तो यही तो लिख रही हूँ, लिखा मैंने यहाँ पे भी। देखो ये रिंग थी, इसका स्मॉल आर्क है यहाँ पे, ये एक स्मॉल आर्क मानी हुई आपने यहाँ से, ये आर्क पूरी आर्क है, ये पूरा एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ आई, हटा दो ये आर्क है भैया, पूरी बना दो। अब समझ आ गया, पूरी रिंग देखो इतनी होती है, पूरी रिंग आपकी इतनी होती है हाफ रिंग, तो ये पूरी इतनी तो बनी ना 90 से, देखो ये, तब मैंने थोड़ी छोटी बना दी थी, अब अच्छे से बना दी बड़ी, क्लियर हो गया? अभी बड़ी सारी बना दी, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया पूरा एंगल अल्फा है, एक छोटा सा एंगल यहाँ से डी क्यू एलिमेंट लिया ये मान लिया मैंने। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बन गए यहाँ से, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इसको एक्सिस कह लो, एक्स एक्सिस कह दो, तो ई एक्स को क्या लिख सकते हो, डी कोस थीटा, और ई वाई को क्या लिख सकते हो, डी साइन थीटा। अरे बोलो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अब इसका क्या करना है आप लोगों को, इंटीग्रेशन करना, पहले डीई की वैल्यू फाइंड आउट करो, डीई को क्या लिख सकते हो बताओ, के डी क्यू बाई आर का स्केयर, के डी क्यू बाई आर का स्केयर करोगे। ठीक है, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी क्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डी क्यू बाई डी एम। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, और डी एल को क्या लिख सकते हो, देखो ये छोटा सा एलिमेंट जो कट कर रखा है बाहर निकालती हूँ, ये है आपका डी डी एल, ये एंगल है डी थीटा, ये रेडियस आर है आपकी, तो डी थीटा क्या लिख सकते हो, डी एल बाई आर, तो डी एल की वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बन जाएगा आपका, यहां पुट करिए, डी के इसको पुट करो, इसमें डी क्यू को पुट कर लो पहले, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, इस डी एल की वैल्यू को यहां रख दो आर डी थीटा। नाउ यूजिंग डी क्यू इन फर्स्ट, डी क्यू को ही फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो, तो डी ई क्या बन गया आपका यहां से, के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर का स्केयर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो डी ई कितना मिल गया, के लैम्डा
डी थीटा अपॉन में आर, ठीक है। तो हमने यहां से आर के कारण डी ई निकाल ली, ठीक है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे, देखिए भाई एक बार ये फर्दर जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहां से ई एक्स को सोल्व कर लो पहले, ठीक है। देखो जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू पुट करो के लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक ले लोगे, जीरो से पाई बाई टू। अरे आर कितनी तो बनी भाई, अरे पूरी रिंग इतनी होती है, तो ये आर का मैंने इतना सा ही तो पार्ट ले रखा अभी आपका, ये तो कितना हो गया आपका ये जीरो टू 90 डिग्री या पाई बाई टू लिख देते, ठीक है। कितना बना ई एक्स के लैम्डा बाई आर जीरो टू पाई बाई टू कोस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा भाई। तो ई एक्स कितना बन गया के लैम्डा बाई आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दो जीरो से पाई बाई टू, क्या बना आपके पास यहां से ई एक्स के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा। ई एक्स की वैल्यू कितनी आई के लैम्डा बाई आर, और ये क्या होता है वन, ई एक्स कितना आया के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली इसको भी निकाल लो, इसको निकालो ई वाई के कारण, ई वाई के कारण भी कितनी आएगी के लैम्डा बाई आर। ई एक्स कितनी आई आपकी के लैम्डा बाई आर, ई वाई के कारण और सोल्व कर देती हूँ। ई वाई के कारण यहाँ कितना हो जाएगा, ई वाई क्या है डी ई साइन थीटा, तो डी ई तो वही है साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करो, अरे ई वाई में क्या आ जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ सोल्व करोगे क्या बन जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर क्या बन गया, ये माइनस को बाहर निकाल लो कोस पाई बाई टू माइनस कोस जीरो, ठीक है। तो कोस जीरो की वैल्यू तो वन होती है और कोस पाई बाई टू जीरो, क्या बना माइनस के लैम्डा बाई आर जीरो माइनस वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आया के लैम्डा बाई आर। दोनों कंपोनेंट की कारण क्या आई के लैम्डा बाई आर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अब यहां से आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क क्या बनाएगी ई रिजल्ट। देखो ई एक्स इधर है, देखो ये ई एक्स इधर है जो आप लिख रहे हो, सॉरी ई वाई ई साइन थीटा, ये ई एक्स इधर है ये पर लिख रहे हो आप लोग ई कोस थीटा, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे ही होगा, अरे होगा ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी ई एक्स का स्केयर प्लस ई वाई का स्केयर। तो देखो ई एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर आया किसके ई वाई के, ई एक्स का मैग्नीट्यूड बराबर आया किसके ई वाई के, तो क्या लिख दोगे टू रूट रूट टू इंटू ई एक्स, ई इज इक्वल टू क्या बन गया रूट टू, ये ई रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के लिए आप आर लिख सकते हो, ई एक्स की वैल्यू क्या के लैम्डा बाई आर, समझ आ गया। तो आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई रूट टू के लैम्डा बाई आर। देखो पूरी के लिए लिखोगे तो उतनी आएगी, पूरी रिंग के लिए हाफ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तो रूट टू फुल कंप्लीट रिंग, जैसे अभी कंप्लीट रिंग होगी तो आर के लिए कितनी आई रूट टू के लैम्डा बाई आर, तो इतने के लिए भी कितनी आएगी रूट टू के लैम्डा बाई आर, इतनी तो आएगी, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है समझ आ गया। तो ये आपका एक आर के कारण, आर के केस एक और देखो अब शॉर्टकट मेथड, ये हमने ऐसे सोल्व करा, जनरली अगर कोई रिंग दे दे आपको ऐसे, जनरली सिर्फ कैसे दे क्या दे दे आपको ये रिंग दे दे ये, ठीक है।